नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबर की ओर। खबर आ रही है राजधानी भोपाल से। मुसलमानों के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम निराश नहीं है। हमें सांप्रदायिक का जवाब मोहब्बत से देना है। बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। नई पीढ़ी का ईमान बचाने के लिए स्कूल के साथ मकतब भी ज़रूरी है। वही जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के प्रेस सचिव हाजी मोहम्मद इमरान ने बताया कि बख्तुल्ला स्कूल कैंप में आज जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की चुनावी सभा में ऑब्जर्वर दिल्ली से पधारे राष्ट्रीय जमीयत उलमा हिंद के मौलाना कारी शौकत साहब की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ है। इस इजलास में जमीयत के प्रदेश महासचिव मोहम्मद कलीम एडवोकेट ने पिछली कार्रवाई पढ़कर सुनाई, जिनका सभी सदस्यों ने समर्थन किया है। वही मध्य प्रदेश के महासचिव मोहम्मद कलीम एडवोकेट ने सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश की। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए मौलाना कारी शौकत साहब की निगरानी में हाजी मोहम्मद हारून साहब को एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनः अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। भोपाल से नाफिस इस्माइल बेग की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की मजलिस मुंतजमा का इजलास हुआ, उसमें ऑब्जर्वर की हैसियत से हजरत मौलाना कारी शौकत साहब, जो मजलिस आमला दिल्ली के अहम रुकन हैं, वो मेहमान खसूसी और ऑब्जर्वर की हैसियत से तशरीफ़ लाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात का इंतखाब हुआ और उसमें मैं खादिम हाजी मोहम्मद हारून और वो उसको सदर की हैसियत से इत्तेफाक़ राय से मुंतखब किया गया। और दस्तूर के अतबार से चार नायबिन सदर और एक खाजिन का इंतखाब होता है। तो मिर्ज़ा बशीर बेग साहब, हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब मज़ाहरी और जनाब रियाजुद्दीन साहब शेख और हाजी मुनीर अहमद साहब, ये चार नायबी सदर मुंतखब हुए। और डॉक्टर सैयद महरुल हसन साहब को खाजिन के अहदे पर मुंतखब किया गया। अब आमिला और बाकी अहदेदारान का ऐलान इंशाल्लाह बाद में किया जाए। प्रोग्राम था ये जमीयत उलमा की सूबे की मुंतजिमा थी और जमीयत उलमा दस्तूरी एतबार से अपना निज़ाम चलाती है। चूँकि जमीयत उलमा ने जो मेंबर साजी का वक्त मुतय्यन किया था, उसके पूरा हो जाने के बाद में नीचे से तहसील ज़िला अपनी अपने इंतखाब पूरे करने के बाद में अपने मेम्बरान हजरात को जो डेलीगेशन कहिए या एक्टिव मेम्बर कहिए, उस सूबे में भेजते हैं। अब ये लोग जो आए हैं, ये सूबे की मुंतजिमा कमेटी कहलाती है। ये मुंतजिमा कमेटी का काम यह है कि अब आने वाले टर्म में, जो 3 साल का टर्म है जमीयत उलमा का, इसमें वो अपने सदर का, नायबीन सदर का, खाजिन का इंतखाब करें जिसे मुनासिब करें। जमीयत उलमा ऐसा नहीं करती कि किसी के सदर होने को थोपती या नामजद करती। वही हजरात जो उनके अरकान आए हैं, डेलीगेट आए हैं, मुंतजिमा के मेंबर हैं, वो उसे तय करते हैं। जमहूरी एतबार से जिसका नाम पेश हो जाता है, अगर उसके मुकाबले में कोई दूसरा नाम नहीं आता तो इत्तेफाक के तौर पर हो जाता है। अगर कोई नाम आता है तो फिर उसके शक्ल सूरत वोटिंग भी हो सकती है, नाम भी वापस ले लेते हैं। अल्लाह का फजल है कि यहाँ मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर जो मरकज़ और दफ्तर है मध्य प्रदेश का, यहाँ ये प्रोग्राम हुआ। और इत्तेफाक राय से ऐसा कम होता है, लेकिन यहाँ इत्तेफाक राय से सदर और नायबिन सदर और ख़जानची का फिर इत्तेफाक सब ने तय किया और कोई दूसरा नाम नहीं हुआ। जबकि हमारी जानिब से बहैसियत ऑब्जर्वर होने के हमने वक्त दिया कि आप हजरात किसी और का नाम पेश करना चाहें, 5 मिनट के बाद में नाम पेश कर सकें। कोई दो नाम नहीं आया तो फिर उनके इंतखाब में कह दें कि मौलाना हाजी हारून साहब सदर हैं और नायबीन चार सदर सदर हो गया। यही आज का मकसद था। अब ये जिम्मेदारी जो आगे काम करने की आई है, ये टीम, ये सदर, नायबीन सदर जो बने, ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि अब जमीयत उलमा को सूबा मध्य प्रदेश के अंदर किस अंदाज से लेकर चलते हैं और इस वक्त जो ज़रूरत है मिलत को उस वक्त कितना काम करते हैं, ये इनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। जमीयत उलमा का तामीरी प्रोग्राम है, उस तामीरी प्रोग्राम में किस किस जुज पर काम होता है, किस पर नहीं काम होता, ये इनके जवाब नहीं होते। 5 सफर 1443 12 सितंबर 2021 बरकतुल्ल
अला स्कूल्स के इस अजीम शान मदनी हॉल में एक जलसा हजरत मौलाना शौकत अली साहब दाऊद दरगाह को उनकी सरपरस्त मुनक़द किया गया, जो ख़ास तौर पर इजलास मजलिस मुंतज़मा जमीयत उलमाए मध्य प्रदेश था। और उसमें मसला ये था कि रियासती इंतखाबात जो अहदेदारान का हो वो किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक़ के साथ बग़ैर किसी इंतशार और निज़ा के हाजी हारून साहब दाऊद दरगाह को जमीयत उलमा का मुत्तफ़ा तौर पर सदर चुना गया और उनके साथ चार दिगर नायब वज़रा नायब सदूर जो है मध्य प्रदेश के बनाए गए और खाजिन भी बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना शौकत साहब की दुआ पर ये मुबारक मजलिस इख्तिताम पज़ीर हुई। जज़ाकुमुल्लाहु खैर वसलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जो है हाजी मोहम्मद हारून साहब की क़ियादत के अंदर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रही थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्जर्वर की हैसियत से हज़रत मौलाना शौकत साहब क़ारी शौकत साहब तशरीफ़ लाए और चुनाव यहाँ हुआ, उसके अंदर दोबारा हाजी मोहम्मद हारून साहब को सदर मंतखब किया गया और इस मौके के ऊपर तमाम मध्य प्रदेश सूबा मध्य प्रदेश के लोग यहाँ हाजिर थे, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो एक्टिव मेम्बर हैं, और उसी जलसे के अंदर उनका इंतखाब हुआ और सब ने यह अहद व पैमान किया कि इंशाल्लाह हाजी साहब की रहनुमाई के अंदर सरपरस्ती के अंदर हम कौम व मिल्लत की खिदमत जितनी हो सकती है जी जान से इंशाल्लाह करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।